हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप एक व्हाट्सएप को दो फ़ोन में चलाना चाहते हैं तो किस प्रकार से चला सकते हैं। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप एक व्हाट्सएप को दो फ़ोन में चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के रोज़ नए वीडियो लेकर आते रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जिस व्हाट्सएप को दूसरे मोबाइल में चलाना चाहते हैं, पहले नंबर जो कि नंबर बाय नंबर मैं आपको मोबाइल बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास दो फ़ोन नहीं है, इस वजह से मैं एक ही फ़ोन में आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए ये मोबाइल है, इसका व्हाट्सएप मैं दूसरे मोबाइल फ़ोन में चलाना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, इसमें आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। जो कि व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्यूआर कोड निकाल के रखना है। इस प्रकार से क्यूआर कोड को निकाल कर रखना है। ये देखिए इस मोबाइल का व्हाट्सअप मैं दूसरे मोबाइल फ़ोन में चलाने वाला हूँ, तो इस प्रकार से इसका निकाल कर रखना है। जैसे निकाल कर रखिएगा तो इसे इस प्रकार से निकाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद बैक करना है और जिस मोबाइल फ़ोन में आप चलाना चाहते हैं, यानी कि नंबर टू, जिस मोबाइल फ़ोन में आप चलाना चाहते हैं इस मोबाइल का व्हाट्सअप, उस मोबाइल में आपको व्हाट्सअप को ओपन करना है। जैसे ही व्हाट्सअप को ओपन कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे देखिए थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिंक डिवाइस, तो आपको लिंक डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही लिंक डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो आने के बाद लिंक डिवाइस पर फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यूज मोबाइल डाटा पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका लॉक मांगेगा, फिंगर हो और पैटर्न लॉक दोनों, तो मैं यहाँ पे फिंगर को लगा लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने देखिए लगा लिया। लगाने के बाद यहाँ से स्कैन करने के लिए आ गया, तो ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ओके पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्कैन करने के लिए आ गया। तो आप उस यानी कि नंबर वन फर्स्ट मोबाइल में आप जो स्कैनर निकाले थे, आपको उस स्कैनर पर आपको उस बार कोड पर क्यू आर कोड पर आपको इसे स्कैन करना है। जब स्कैन कर लीजिएगा तो स्कैन सक्सेस होने के बाद आपको उस मोबाइल का व्हाट्सअप आप इस मोबाइल फ़ोन में अभी आप चला सकते हैं, यानी कि नंबर वन का व्हाट्सअप आप नंबर टू में भी आप चला सकते हैं। जिससे कि आप नंबर वन में भी चला सकते हैं और नंबर टू में, यानी कि दोनों मोबाइल फ़ोन में आप व्हाट्सअप को चला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक व्हाट्सअप को दो मोबाइल फ़ोन में आप चला सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के रूल नए वीडियो लेकर आते रहता हूं, तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।